हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हुआ पहले की तरह अच्छे ही होगे। गाइस, मैं हूं सनीता आचपरिया और स्वागत है आप सभी का डेमन किंग यूट्यूब चैनल की एक धमाकेदार वीडियो में। सब लोग खेलना चाहते हैं प्लेस्टेशन 3 के गेम, तो एमुलेटर तो अवेलेबल है ही नहीं, तो फिलहाल अभी आप प्लेस्टेशन के एमुलेटर में गेम नहीं प्ले कर सकते। एमुलेटर आने वाला है लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो फिलहाल अभी कोई उसकी अपडेट भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो आगे उसकी अपडेट मैं दूंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ टॉप 5 प्लेस्टेशन वाले गेम जो कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले कर सकते हो। जी हाँ गाइस, कैसे, आइए पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप मत करना। आइए बात करते हैं हमारे सबसे पहले गेम की। तो इस गेम का नाम है द अमेजिंग स्पाइडरमैन, एक एक्शन एडवेंचर सिंगल प्लेयर गेम आपको देखने को मिलने वाला है। इस गेम में आपको ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट्स देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन देखने के लिए मिल जाएगी, एक मूवी के ऊपर बेस्ड पूरा गेम रहने वाला है, जबरदस्त मिशन देखने को मिलेगी। एंड प्लेस्टेशन के जो स्पाइडरमैन वाला गेम है वही गेम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टोरी एंड जो गेम प्ले है वो सिमिलर आपको यहाँ पर प्लेस्टेशन वाला ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा गेम है, इस गेम को आप डॉल्फिन एमुलेटर में इजीली प्ले कर सकते हो, ठीक है, अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। तो जाओ इसको प्ले करो। आइए बात करते हैं हमारे सेकंड गेम की। तो इस गेम का नाम है स्टोरी स्टोरी 3। जी हाँ गाइस, ये गेम प्लेस्टेशन 3 में भी है, ठीक है। तो ये गेम प्लेस्टेशन 3 का भी है एंड सिमिलर गेम प्ले आपको देखने को मिल जाता है, यही वाला गेम प्ले, तो कुछ चेंजेस नहीं है, सेम ग्राफिक एंड सेम स्टोरी लाइन एंड सेम गेम प्ले आपको प्लेस्टेशन 3 वाले गेम में भी देखने को मिलता है। इस गेम को भी आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले कर सकते हो। कैसे, आप अपने डॉल्फिन एमुलेटर में प्ले कर सकते हो। आपके पास अच्छा खासा फ़ोन है तो आप इजीली इस गेम को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डॉल्फिन एमुलेटर की मदद से प्ले कर सकते हो, ठीक है, स्मूथली। तो जाओ इस गेम को भी प्ले करो, ठीक है। आइए बात करें हमारे थर्ड गेम की। तो इस गेम का नाम है डिस्नी एपिक मिक्की 2 द पावर ऑफ 2। कैसे, एक्शन एडवेंचर गेम रहने वाला है। जी हाँ गाइज, तो ये गेम भी आपको प्लेस्टेशन 3 में देखने के लिए मिल जाता है, सिमिलर गेम प्ले है, ठीक है। तो कोई चेंजेस नहीं है गेम प्ले में, सेम ग्राफिक सेम स्टोरी एंड सेम गेम प्ले, ठीक है। तो इस गेम को आप अपने डॉल्फिन एमुलेटर में प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है प्लेस्टेशन 3 वाले गेम खेलने का, तो आप डॉल्फिन एमुलेटर में कुछ कुछ जो गेम है जो कि प्लेस्टेशन वाले आप प्ले कर सकते हो, तो ये भी डॉल्फिन एमुलेटर में प्ले कर सकते हो। ग्राफिक वगैरह काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, तो बहुत ही अच्छा गेम है, जाकर आप प्ले करो, ठीक है। आइए बात करें हमारे नंबर 4 गेम की। तो इस गेम का नाम है स्पाइडरमैन एज ऑफ टाइम, एक थर्ड पर्सन एक्शन एडवेंचर सिंगल प्लेयर गेम रहने वाला है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन देखने के लिए मिल जाती है, फ्यूचरिस्टिक गेम रहने वाला है। इस गेम में आपको 2099 का यूनिवर्स देखने के लिए मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा गेम रहने वाला है। तो ये गेम प्लेस्टेशन 3 का भी है, ठीक है। तो सिमिलर गेम प्ले है, सिमिलर स्टोरी है, तो ग्राफिक भी सेम ही है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको भी डॉल्फिन एमुलेटर में प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो जाओ इस गेम को भी प्ले करो, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा खेलने में। तो आइए बात करते हैं नंबर 5 गेम की। तो इस गेम का नाम है कैस्टल ऑफ आइल्यूशन, गाइस एक एंड्रॉयड गेम रहने वाला है। ये गेम भी प्लेस्टेशन 3 में भी है, ठीक है, सिमिलर गेम प्ले है, कोई चेंजेस नहीं गेम प्ले में, स्टोरी ग्राफिक एंड गेम प्ले सिमिलर है, ठीक है। प्लेस्टेशन में भी यही सिमिलर गेम है, कोई चेंजेस नहीं है। तो ये एंड्रॉयड में भी है, प्ले स्टोर पर आपको ये मिल जाता है, लेकिन पेड है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको प्ले कर सकते हो। तो एक बहुत ही अच्छा गेम है, यहाँ पर 3D ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाती है एंड बहुत ही अच्छे अच्छे बॉसेस फाइट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। मैंने पूरा इस गेम को खेला हुआ है, तो आप जाकर इसको भी प्ले कर सकते हो। तो जाओ एंजॉय करो इस गेम को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।